हाँ जी मेरी ऑडियो फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप एकदम मजे में होंगे। काफी दिनों के बाद आज व्लॉग चैनल पे व्लॉग अपलोड कर रहे हैं और आज मैं आ गया हूँ डेनवर सिटी के अंदर। कोलोराडो स्टेट है अमेरिका में और यहाँ पे 3-4 दिन मैं रुकने वाला हूँ, तो काफी वीडियोज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी खास चीजें हैं। बेस्ट वेस्टर्न जो होटल है उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है डेनवर सिटी में, तो होटल का टूर भी दूंगा। एक स्पेशल कार मुझे मिली है 1 वीक के लिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तो उसकी वीडियो भी आएगी। चलते चलते आपको जो कार है एक बार बाहर से दिखा देता हूँ और सेटअप वगैरह जो है मैंने लगा दिया, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी डिफरेंट है कैलिफोर्निया से, जहाँ से मैं हूँ। मैं लॉस एंजलस सिटी से हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। यहाँ पे जो रोड्स हैं ट्रैफिक नहीं है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे वहाँ पे जो टेम्परेचर है अभी 30s के आसपास है, बट यहाँ पे कल ही स्नो पड़ रही थी, तो यहाँ पे ठंडा है कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में। और ये है वो कार जो मुझे मिली है 1 वीक के लिए, जेनेसिस G70, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 2022 मॉडल। तो आजकल कार्स की भी वीडियो साथ के साथ ही बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे पूरा जो सेटअप है, जैसे मैंने कहा, वो मैंने लगा दिया, दो GoPros हैं। और उसके साथ ही, क्योंकि नेशनल पार्क में एंट्री कर रहे हैं, तो ये है नेशनल पार्क का पास। तो अगर आप अमेरिका में हो और आप घूमते फिरते रहते हो, तो ये जो पास है ये डेफिनेटली बनवा लो। $80 लगते हैं 1 साल के, तो 1 साल के लिए जितनी भी नेशनल पार्क्स हैं आपकी एंट्री उसमें फ्री हो जाएगी। 6 बंदे एक कार के अंदर आप लोग लेके जा सकते हो, तो ये जो पास है काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। और अब कंटिन्यू करते हैं जर्नी, चलते हैं अब रोड्स पे। तो अभी 11 मिनट दूर हूँ मैं वो जो वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज आपको मैं बता रहा था। तो यहाँ पे सारा एरिया जो है वो इसी तरीके का जैसा अभी आप देख रहे हो, खुला खुला सा, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है ड्राइव का भी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता जितना लॉस एंजलिस में होता है, आपको सारा टाइम ट्रैफिक देखनी पड़ती है। यहाँ पे खाली खाली है सारा कुछ, तो मज़ा बहुत आ रहा है। ठंड भी है तो घूमने में थकान भी फील नहीं हो रही, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऑलरेडी अभी काफ़ी गर्मी हो चुकी है। यहाँ पे बढ़िया, अभी आप देख ही रहो खुला खुला सब कुछ, तो कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताना ज़रूर। और अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग रॉकी माउंटेन नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, एंड यहाँ से वो जगह शुरू हो गई है जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। तो देखते हैं कैसा है यहाँ पे सब कुछ। तो खुला खुला है तो वाइल्ड लाइफ देखते हैं कुछ दिखता है। यहाँ पे एक स्टॉप लिया है, तो यहाँ पे ऐसे रेस्टरूम्स वगैरह बने हुए हैं, पार्किंग्स बनी हुई है जहाँ पे रुक कर आप वॉक भी कर सकते हो। ऐसे ट्रेल्स बने हुए हैं, ये जो है ये है लेक लडोरा लूप ट्रेल, और सामने ये जो जगह दिख रही है ये है लेक लडोरा। और ये जो जगह है 1942 के टाइम पे, जब World War II हुआ था, तो इस जगह पे US आर्मी जो है अपने वेपन्स वगैरह बनाया करती थी। बट उसके बाद 1992 में जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह थे सारी चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया और सारी चीज़ों को साफ करके इसको बना दिया वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। और यहाँ पे काफ़ी टाइप के आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो ये ट्रेल्स हैं ज़्यादा लंबे नहीं है, तो आप इजिली इन पे वॉक वगैरह कर सकते हो, जैसे ग्रैंड कैनियन में होता ना बहुत लंबे लंबे ट्रेल्स हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा लंबे नहीं है, तो मज़े से आप घूम फिर सकते हो। तो जैसी जगह पे पहले थे वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे एक लेक है, तो लेक पे चलते हैं, कार जो है इसको पार्क कर देते हैं। और अभी एक ट्रेल जो है मैंने भी ले ली, मैंने सोचा वॉक कर ही लें, क्योंकि दिखा के ऐसे क्या फ़ायदा जब तक एक्सपीरियंस ना हो। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और लोग बिल्कुल ही नहीं है, वॉक करने का अपने मज़ा है। और सामने इस जगह पे लेक आपको दिख रहा होगा, तो चलते हैं लेक के मज़े लेते हैं। अब थोड़ी देर लेक पर बैठते हैं, और अभी 2-3 घंटे हैं हमारे पास। अभी आई डोंट नो कितनी लंबी ड्राइव है, क्योंकि ये जो रोड सामने इस जगह पर जाती दिख रही है, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर आप चलाते रहो कार और देखते रहो व्यूज़। अभी तो सिर्फ एंट्री ही की है, तो अगर डुबकी लगानी है तो डुबकी भी लगा सकते हो, आप पता नहीं लाने वाले, बट अगर दिल है तो डुबकी भी आप लगा सकते हो। और ये बिल्कुल पहुंच गए हैं लेक के पास, ये है अपना लेक लडोरा, और काफ़ी लोग उस साइड भी घूमते हुए मुझे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े लोग आपको दिख रहे होंगे, गाड़ियाँ पार्कड हैं। यार जगह तो बहुत पीसफुल है, अगर डेनवर आ रहे हो तो यहाँ आना तो बनता है। एंड 16,000 acres में ये जो वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है फैला हुआ है, तो बहुत बड़ी जगह है डेफिनेटली, एंड व्यूज़ जो हैं अमेजिंग है यार। यहाँ आओगे तब ज़्यादा फील कर सकते हो, आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि क्या है खाली तो है, बट जब आप यहाँ पे होते हो जो एंबियंस है पूरी जगह का, जो हवा चल रही है, जो पीस है यहाँ पे, उसका अपना ही मज़ा है। और अभी अभी जो वाइल्ड लाइफ ड्राइव वाला सेक्शन है वहाँ पे हमने एंटर कर लिया है। 1-way road है ये, और इसको कंप्लीट करने में 45 मिनट से 1 आवर के बीच में लगता है। और यहाँ पे जो असली वाइल्ड लाइफ है आप उसको स्पॉट कर सकते हो। पहले वो आउटसाइड एरिया ही था जहाँ पे लेक पे मैं था, तो अब ये जो ड्राइव है ये 45 मिनट की होने वाली है। और आगे एक साइन भी आ गया है कि बाइसन्स यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हो, तो अगर मैं हल्के करूँ मुझे यहाँ पे तो कोई भी बाइसन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और ये 1-way road है, तो अगर एक बार आप इस रोड पे आ गए तो आप वापस नहीं जा सकते हो, सीधा ही आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि अपने व्हीकल के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो क्योंकि डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, तो मैं अकेला ही हूँ, तो देखते हैं क्या क्या दिखता है यहाँ पे। ऑल दो जो व्यूज़ हैं वो आप लोग देख ही रहे हो कि कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं। और ये जगह यार वो वैसे नहीं लग रही जैसे विंडोज XP के वॉलपेपर में होती थी,
वो ग्रास वाला एरिया सा, देखो एक बार, बिल्कुल वैसा ही है। और दूर दूर तक कोई भी नहीं, बस आप अकेले ड्राइव करते रहो। और वही अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये बाइसंस का ही एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे हिरन भी मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्यार प्यार से चलते हैं क्योंकि भड़क गए तो पंगा हो जाएगा। और एक बाइसन जो है वो फाइनली मुझे अब दिखा बिना घास के। मियाँ जी आ जाओ थोड़ा सा फ्रेम में, और ये तो दौड़ने लग गया। और अभी बाइसन एरिया में घूम ही रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बाइसन जो है वो दिख रहे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं यार बताना जरूर, मुझे नाम नहीं पता बाइसन को क्या कहते हैं हिंदी में। काफी सारे एक सामने दिख रहा है कि ये है यहाँ पे बाइसन। तो ये पूरा एरिया जो है इन्होंने फेंस लगा के बंद किया हुआ है ताकि आप लोग ना जाओ और कार से बाहर ना निकलो, ये भी सजेस्ट करते हैं पार्क वाले। तो बहुत ही अमेजिंग जगह। और वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज वाला जो एरिया है वो खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, कुछ हिरन और बाइसन जो है वो देख लिए। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, और अभी 6 बजे मेरी मूवी का शो है, भूल भुलैया 2 जो मूवी है वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक इंडियन ज़्यादा है, मुझे तो कोई दिखा नहीं, बट यहाँ पे सारे ही थिएटर्स में इंडियन मूवीज़ लगी हुई हैं, जो कि लॉस एंजलिस में तो भाई भूल ही जाओ। तो फाइनली अब मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। 5 बज गए हैं, 6 बजे मूवी, आधे घंटे की ड्राइव है, और उससे पहले कुछ खा भी लेता हूँ। और अभी फ्रीवे के ऊपर हुई तो ये जो कार है ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ तो आती आती है और सारी चीज़ें जो है कार खुद ही करती है। जो स्टेयरिंग व्हील है टेस्ला की तरह ही सेल्फ ड्राइव भी यहाँ पे मिलता है। तो जैसे भी आप देख रहे हो आगे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ। गाड़ी अपने आप ही स्लो हो रही है, अपने आप ही टर्न लेती है, लेन चेंज करना, सारी चीज़ें जो है कार अपने आप मैनेज करती है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो ये जो फीचर है ये भी बड़ा मस्त है। इस कार के ऊपर एक वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, कल या परसों आप लोग वो वाली वीडियो देख लोगे। बट ये जो फीचर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट कुछ कुछ देर के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाता है स्क्रीन के ऊपर कि आपके जो हाथ है स्टेयरिंग व्हील पे रखो वरना ये डिसेबल हो जाएगा मोड। तो अभी जैसे मैंने हाथ रख लिए हैं तो अभी आई एम गुड। स्टेयरिंग के ऊपर हाथ रखा कुछ सेकंड के लिए, अब मैं नॉर्मल हूँ। तो अब कार जो है अपने आप चल रही है, लेग्स वगैरह मेरी सारी पीछे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ, कार अपने आप ही चल रही है। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत पसंद है। कार जो है जेनेसिस की G70 है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये फीचर जो है बहुत ही कॉमन हो रहा है, टेस्ला लेने की भी जरूरत नहीं है, रेगुलर कार्स में भी ये चीज़ आ रही है। इससे पहले GMC जो है उनकी देनाली आई थी मेरे पास, उसके अंदर भी ये फीचर था, यहाँ पे भी है। और थिएटर अभी आ गया हूँ मूवी देखने के लिए। और एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे जो मूवी का टिकट है वो सिर्फ $5 का है, क्योंकि आज ट्यूसडे है और बाकी दिनों पे $8 का है। अगर मैं अपने लॉस एंजलिस की बात करूँ तो $22 से स्टार्ट होता है, AMC वगैरह की बात करूँ। यहाँ पे सेम टिकट $8 का रेगुलर डेज पे, ट्यूसडे को $5 का। तो मूवी जो है ख़त्म हो गई है, अच्छी मूवी है यार भूल भुलैया 2। और अभी जहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे एक मेला टाइप का लगा हुआ है, ये जो है इसके बारे में कल वाली वीडियो में मैं बात करूँगा और सारी जगह मैं आपको दिखाऊँगा। तो बहुत सारी यहाँ पे राइड्स भी हैं, एम्यूजमेंट पार्क ही बेसिकली इन्होंने बनाया हुआ है। अब 15 दिनों के लिए ये जो है यहाँ पे रहने वाला है, टाउन सेंटर जो है डेनवर का वहाँ पे ये अभी हो रहा है। तो इसको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर कमेंट्स में, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कल एक स्पेशल वीडियो और आने वाली है आपके लिए। और जब तक डेनवर में हूँ वीडियोस रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ ख़त्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।